हम जो ऑर्गेनिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ना ही खेतों में किसी तरह का पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ करते हैं और ना ही पोस्ट हार्वेस्ट मेथड है उसमें भी किसी तरह का कोई हम केमिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता था कि जनरली हम उसे जो जनरल स्टोरेज है उसमें हम नहीं रख सकते थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जल्दी उसको कीड़ लग जाती थी और हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता था उसमें। बिना पेस्टिसाइड से जो जनरल ट्रेडिशनल मेथड है कैस्टर ऑयल लगा लगा के उसे सुखा के स्टोर करना है, फिर बाद में कुछ चीज़ों में हम नीम के पत्ते यूज़ कर रहे थे या फिर गोबर के उपले हम उसमें रख रहे थे जहाँ पे हमने स्टोर किया है, लेकिन वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और वो उसमें भी पूरा 100% हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी हमें प्रोडक्ट के, यानी कि टेस्ट में वगैरह उसमें काफ़ी बदल जाता था। और बहुत बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो उन्हें उस सपोज़ हमने गेहूं को लगा दिया है और गेहूं की रोटी थोड़ी कड़वी लग जाए तो बच्चे खाने से इनकार कर सकते हैं, बड़े तो एक बार समझ भी लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें और कंटेमिनेशन का भी काफ़ी चांसेस होते थे क्योंकि बाहर कैस्टर ऑयल प्योर मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भी एक दिक्कत है। और लेकिन वो कैस्टर ऑयल लगाना उस खुद में एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि उसे पहले गर्म करके हथेली पे लेके उसे रगड़ना पड़ता है ग्रेन्स के ऊपर, वो यानी कि वो प्रैक्टिस काफ़ी, यानी कि यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में तो वो प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। ये सेव ग्रेन बैग के बाद बारे में पता चला तो मुझे काफ़ी उसमें तसल्ली मिली। सेव ग्रेन बैग का देखिए फार्मूला एकदम सिंपल है क्योंकि उन्होंने हमें यूज़ करते समय बताया था कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है कम से कम आपका 14-15% से नीचे होना चाहिए, तो बस उतनी ही एक केयर लेनी है इसे स्टोर करते समय, तो वो केयर हम लेके ही इसे स्टोर कर रहे हैं। और एक बार स्टोर करने के बाद ना उसमें कुछ हमें डालना है, सिर्फ उसे स्टोर करके उसको अच्छे सेफली बैग आउटर बैग में डाल के हमें स्टोरेज में रख देना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें।